गुपकार डिक्लेरेशन जो है ये एंटी नेशनल है, गुपकार डिक्लेरेशन एक प्रोपोगंडा है, गुपकार डिक्लेरेशन जो है ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए नहीं है, ये मैं नहीं, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं। और आज एकजुट जम्मू के जो प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका भी यही कहना है कि एक प्रोपोगंडा है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कल शाम को ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी जैसे 4 अगस्त 2019 को वही एक बार से गुपकार के बाहर लोगों का आना जाना और पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं उन तमाम का बैठना, बातचीत होनी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जी की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की बात की जाए, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, इसके साथ साथ पीपल कॉन्फ्रेंस की सजाद गनी लोन साहब की बात की जाए, तो तमाम कश्मीर के मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे और 370 स्पेशल रोड की वापसी की डिमांड भी की गई है। इस हिसाब में मेरे साथ बात करने के लिए फॉर्मर जज और एनसी के सीनियर लीडर मुजफ्फर इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये कितना बड़ा प्रोपोगंडा है। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहा जा रहा है कि ये जो गुपकार है ये एक प्रोपोगंडा है, ये कुछ भी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको रिजेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया है और इनके करने का बस यही वजूहत है, यही कारण है कि अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो जितनी भी फिरका प्रस्त ताकतें हैं जी, उनका जो तिल मिलाना है इस पर जी, ये इस बात की गमाजी है और इस बात का सबूत है जी कि गुपकार डिक्लेरेशन अपने आप में एक तारीख का एक अहम मोड़ है जम्मू कश्मीर की सियासत का जी। और अगर आज भी कोई ये कहता है जी कि जम्मू कश्मीर की रियासत की वापसी, उसके 370 की वापसी और 35 ए की वापसी जी एंटी नेशनल है जी, तो वो आदमी खुद एंटी नेशनल है जी। मैं हर इस पर तो नहीं कोई कमेंट करूँगा कि भाजपा ने क्या कहा और वो जो आपने कहा कोई एक जुट के दो जुट क्या है, बकवास नमा, मुझे उसकी समझ नहीं है, मैंने तो कभी सुना नहीं उनको, ना मैंने कभी जानता हूँ वो कौन लोग हैं। अगर कोई ये कहता है कि ये एंटी नेशनल हैं तो मुझे लगता है वो लोग खुद एंटी नेशनल हैं। 370 सात दिहाइयों से ज़्यादा, 70 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान के आइन का हिस्सा रहा है और कंस्टिट्यूट असेंबली ने उसको डिबेट के बाद आइन के अंदर रखा है, वो किसी की देन नहीं है। वो 70 साल तक जो आइन के अंदर रहा वो क्या था? वो आइन का हिस्सा नहीं था क्या? और गुपकार डिक्लेरेशन आइन के बाहर नहीं, आइन के अंदर रहकर कुछ मांग रही है। ये जो इसको अंग्रेजी में एक जुमला कहते हैं मकैर्थीज़म, और इस किस्म की अगर मकैर्थीज़म आप परस्यू करेंगे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कि हर आदमी को आप एंटी नेशनल ब्रांड करेंगे तो नेशनल कौन रहेगा? अच्छा। वो एंटी नेशनल नहीं है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर के यहाँ के नौजवानों से नौकरियाँ छीनी, उनके अंदर बेचैनी पैदा की, वो एंटी नेशनल नहीं है। वो एंटी नेशनल नहीं है जिन्होंने हिंदुस्तान के आइन को अपने पाँव तले रोन दिया, हिंदुस्तान के आइन की तोहीन की और पार्लियामेंट के अंदर की, वो एंटी नेशनल नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम आइन के अंदर रहकर हम मुराद मांगना चाहते हैं, उसको आप एंटी नेशनल कहोगे तो फिर हिंदुस्तान के जितने पिछले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी, अगर आप उनकी डिबेट पार्लियामेंट में सुनोगे, हर प्राइम मिनिस्टर ने नरसिम्हा राव तक कहा कि जम्मू कश्मीर को अंदरूनी खुदमुख्तारी आसमान की हद तक हम देंगे, आज़ादी को छोड़कर आइन के अंदर रहकर जो वो मांगेंगे हम देंगे। वाजपेयी साहब ने कहा हम मसला कश्मीर का हल जो है इंसानियत, जमहूरियत और एक और टर्म उन्होंने यूज़ की, उसके अंदर हम इसको हल करना चाहते हैं। पर जम्मू कश्मीर के मसले का हल चाहना ये कहाँ से, क्या कोई दूसरा मुल्क चाहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो? बिल्कुल नहीं। हम तो अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं ये बेचैनी जो है लोगों के अंदर 5 अगस्त के बाद जो खसूसी तौर पर जो बेचैनी
आई है उस बेचैनी को ख़त्म किया जाए। यहाँ के नौजवानों को मेनस्ट्रीम पार्टीज मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर आप लाना चाहते हो, यहाँ अगर अमन चाहते हो, भाई कहाँ गई वो आपकी वो दावेदारियाँ कि हम पूरे जम्मू कश्मीर को मुत्तहिद करेंगे, जो बाकी मुल्कों के पास जो इनके हिस्से हैं उनको हम वापस लेकर। हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ जम्मू कश्मीर दोबारा मुत्तहिद हो, लेकिन मुत्तहिद करते करते आपने तो अपना जो हिस्सा आपका था 5 अगस्त को जो हमारा हिस्सा था उसको भी खोया आपने, गुलवान में उसको भी आपने लद्दाख में खो दिया। जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इस पर डायलॉग के ज़रिया तमाम फरीकों को बैठकर बात करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इसके सिवाय कोई हल इसका निकल ही नहीं सकता। और अगर कोई पार्टी भी हो, मैं नहीं कहता कोई एक पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी पार्टी जो है वो अगर ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनल ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर उसको वापस किया जाए, और जो 5 अगस्त क्या कि उससे पहले 1953 की जो पोजीशन थी वो बहाल की जाए, तो वो पार्टी मेरी नज़रों में नेशनलिस्ट है, और वो पार्टी जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में बोल रही है। और जो आदमी आज की तारीख में किसी मरकज़ की किसी पार्टी को खुश करने के लिए इन लोगों के साथ ज़्यादती करेगा, लोग उसको ज़रूर एक ना एक दिन जवाब देंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब के एक स्टेटमेंट पे भी पूरी तरीके से जम के विरोध आंदोलन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने चाइना की ताकतों से अब मसला कश्मीर का सुझाव मांगा है, और अब वो कहते हैं कि 370 शायद चाइना की वजह से ही वापस आएगा। जम्मू के अंदर भी इस पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है, और अब यहाँ के लोगों का ये मानना है कि फारूक साहब चाइना चले जाना चाहिए और वहीं पर ही मसला हल कश्मीर जो है वो हल करवाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप, क्या ये एंटी सोशल बयान है, और ऐसे बयानों की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो टकरार बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा? देखो, उन्होंने पार्टी ने उनके बयान को क्लैरिफाई भी किया है, उनका जो उनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया गया, उन्होंने ये कहा था कि चाइना के सदर को मैंने तो बुलाया नहीं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया जूले जलाए, और उसके साथ उन्होंने कहा कि चाइना ने ये कहा है कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। हालांकि चाइना का मैं नहीं कहता कि इसमें कोई हक बनता है ये बात कहने का, ये बिल्कुल अंदरूनी मामला है, लेकिन फारूक साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि मेरा मकसद ना वो था। अब उसमें मीडिया वालों ने उसके बीच में से एक लफ्ज़ को उठा के पेश कर दिया, और जो पूरी स्टेटमेंट जो थी जिस कंटेक्स्ट में वो कहा था वो पेश नहीं की। क्या लगता है गुपकार पे अब उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि गुपकार ही एक आखिरी राह है जहां से 370-35 की वापसी होगी स्टेट रूट की, या फिर ये भी लोगों की आंखों में सिर्फ मिट्टी और रेत के बराबर फेंकने वाली बात है? भाई, मिट्टी और रेत हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मिट्टी और रेत फेंक रहा है। ये एक हकीकत है कि 370 हटाया गया, स्टेट छीनी गई, स्टेट सब्जेक्ट छीना गया, नौकरियां छीनी गई, यहां की ज़मीनों के मालिक अब यहां के लोग नहीं रहेंगे, असेंबली की जो पावर थी वो छीन ली गई, ये एक हकीकत है। और जब तक ये चीज़ें वापस नहीं आएंगी, ये एक इसको आप तहरीक समझ लो, एक मूवमेंट की शक्ल ये इख्तियार कर रही है। और मेरी एक चीज़ आज आप याद रखना, एक ना एक दिन ये तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आपको वापस करनी पड़ेंगी, अगर आप चाहते हो कि यहाँ अमन हो, यहाँ खुशहाली हो। इसके बगैर यहाँ ना अमन हो सकता है ना खुशहाली हो सकती है। इसका सबूत आपको मिल गया होगा, वो होम मिनिस्टर साहब की वो स्टेटमेंट 5 अगस्त को पार्लियामेंट में कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए 370, जैसे कि मिलिटेंसी की शील्ड जो थी वो 370 थी, पर 370 का और मिलिटेंसी का दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। 370 उन लोगों के लिए था जो हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहकर हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते थे। जो तंजीमें जिनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं, वो तो हिंदुस्तान के आइन पर उनका यकीन ही नहीं है, वो हिंदुस्तान के आइन को मानते नहीं हैं, उनको 370 से क्या लेना देना था। और वो आपने उल्टी साइड उसकी पेश की, अपसाइड डाउन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, आपने अपसाइड डाउन उसकी पेश की कि भाई ये सिर्फ मिलिटेंसी को जो बढ़ावा दे रहा था 370, भाई 370 का और मिलिटेंसी का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, बल्कि 370 ही एक दीवार थी
उन लोगों के दरमियान जो लोग हिंदुस्तान के आइन को मानते थे और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते थे, और वो लोग जो हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर को आज तक नहीं मानते, उनमें एक दीवार थी। आपने वो दीवार गिरा के अब दानों को मिला दिया है। मुजफ्फर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जो हक वाल्मीकि समाज गोरखाओं को या बाकी लोगों को 70 सालों के बाद मिला है, 370 शायद अगर होता तो वो उन्हें हक नहीं मिल पाता, और अब अगर उन्हें वो हक मिला है, और जैसे कि ये कहा जा रहा है कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें जम्मू की कोई पार्टी नहीं दिखी है, सिर्फ कश्मीर की ही मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो शायद ये कश्मीर की एक गैंग है, ये एक प्रोपोगंडा है, ये एक एजेंडा है जो लोगों को कुछ और तरीके शो करना चाहते हैं, जिनका अलग कोई रुझान है। कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर की पार्टी है? भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू से भी उतनी ही सीटें ली हैं जितनी कश्मीर से ली हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या सिर्फ कश्मीर से ही इलेक्शन लड़ती है? वो पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टी है। आपकी कांग्रेस, हालांकि सदर साहब वहाँ नहीं जा सके, कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के सदर थे, उन्होंने कोई रीज़न दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या वो सिर्फ कश्मीर की पार्टी है? CPIM सिर्फ कश्मीर की पार्टी है? भाई, ये क्यों लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग कि कश्मीर की पार्टी। भाई, जब जम्मू में आएंगे फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर जम्मू में आएंगे उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे, महबूबा मुफ्ती मोहतरमा आएंगी, तो वो जम्मू में भी मीटिंग करेंगे। अभी ये कश्मीर में थे तो कश्मीर में मीटिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कश्मीर के लीडरों ने पार्टिसिपेट किया। यही लीडरान जब जम्मू में आएंगे, क्या जम्मू में ये पार्टी नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की तारीख में जम्मू में ज़्यादा मजबूत है, एक सेकुलर पार्टी होने के नाते जम्मू में वो पार्टी ज़्यादा मजबूत है कश्मीर के बनिस्बत। अब ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर की पार्टी है? कश्मीर की पार्टी कहाँ से? जम्मू कश्मीर तो पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टी है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि तीसरा रीजन जो है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख और करगिल में तमाम पार्टियों से मजबूत है। लगता है 370 जो है ये वापस आ पाएगा अब गुपकार के बाद? उम्मीदें जो हैं वो किस हद तक हैं? और कहते हैं कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों को उम्मीदें रखनी चाहिए? कल की मीटिंग के बाद और आज भाजपा की मीटिंग भी होने जा रही है, कोई बड़ा कदम लिया जाएगा? ना उम्मीदी जवाल इल्म अरफा है, ना हो नो उम्मीद, ना उम्मीदी जवाल इल्म अरफा है कि उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। उम्मीद क्यों छोड़ेंगे हम? हम इस जंग को लड़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर कर दूं, इस जंग में चाहे खूनी नजराने देने पड़े, हम लोग लड़ेंगे, डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। और हम अपनी पार्टी का, तमाम पार्टियों जो आज मिलकर जिन्होंने फैसला किया है, वो क्या फैसला लेते हैं? अगर वो आवाम को कहेंगे एजिटेशन पे उतर जाओ, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत उस एजिटेशन को नहीं रोक पाएगी। आज हर आदमी के दिल में इसका सख्त सदमा है और वो अपना गुबार निकालना चाहते हैं। और अगर कहीं इन पार्टियों ने, तमाम पार्टियों ने एजिटेशन की काल दे दी, आपकी ये फौजें, ये पुलिस, ये ताकत उस एजिटेशन को नहीं रोक पाएंगी। ये मेरी बात याद रखना। और ये ज़रूर होगी एजिटेशन एक ना एक दिन। हम एजिटेशन जो है वो हिंदुस्तान के आइन के हकूक में एक हक है सिटीज़न का, कि जब उसके साथ ज़्यादती हो वो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। और इसमें हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ा, अगर हमको जेलें भरनी पड़ी, हमको गोलियां खानी पड़ी, हम उसके लिए तैयार हैं। लगता है आपको कि आपकी तैयारी के साथ साथ जम्मू के लोगों की भी तैयारी है, जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तैयारी है? बिल्कुल, जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी मैंने कहा पार्टी है। आप इसको ये क्यों कहते हैं कि जम्मू की कोई पार्टियाँ अलग हैं? अरे भाई, जम्मू की जो पार्टियाँ अपने आप को जम्मू के साथ बताती थी कि हम बहुत हमदर्द हैं, आपने हालत देख ली पिछले 2-3 सालों में कि जम्मू की आवाम के साथ किस किस्म की नाइंसाफ़ी इन्होंने की। जो कहते थे कि हम जम्मू के बड़े अलम्बरदार हैं, हम जम्मू के लोगों के प्रोटेक्शन करेंगे, उन्होंने जम्मू के लोगों के सामने से निवाले छीने, उनकी नौकरियां छीनी, उनकी जो ज़मीनें थी, जायदाद थी, जो महाराजा ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, वो उनसे छीनी। किस लिए? पूरे हिंदुस्तान में अपने वोट बटोरने के लिए। अब मुझे बताओ, जम्मू में कौन सी पार्टी है जो जम्मू की हमदर्द रही है? आपने खुद, मैंने कई बार आपको सुना है, हमने खुद कहा कि जम्मू के साथ आज भी उससे 4 गुना ज़्यादा ज़्यादती हो रही है जितनी से पहले हुई।
चलिए, कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो अब बड़ी है। मुझे लगता है कि अब सियासी जो गर्मियां हैं वो आते वक्त में बड़े पैमाने पे देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिस तरीके से कल गुपकार में जो मीटिंग हुई, गुपकार डिक्लेरेशन हुई, उसके बाद आज भाजपा की भी शायद मीटिंग होने जा रही है, जैसे कि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, इनपुट्स आए हम तक कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी और एक्स डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी और बाकी जितने भी कमेटी के वर्कर्स हैं उन तमाम की मीटिंग होगी। लेकिन कल इस मीटिंग के शाम के 5 से 6 बजे की जो तस्वीरें बताई जा रही थी वो इस तरह से दिखाई जा रही थी कि जैसे 4 अगस्त की शाम है। वही लोगों का आना जाना, वही एकदम से पार्टी के लीडर्स का वहाँ से रवानगी लेते हुए वो मोमेंट्स कैच किए गए हैं कैमराज में और जिनको फिर बाद में तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया गया है। अब ये जो कल मीटिंग हुई है 370 की वापसी के लिए है और कहीं ना कहीं 370 की वापसी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के उन लोगों का कहना है, उन लीडर्स का कहना है जो कल शाम को उस पार्टी में थे। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये एंटी सोशल है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये एक प्रोपोगंडा है, लोगों ने इसे डस्टबिन में उठा के फेंक दिया गया है, कूड़ेदान में, इसका कोई मतलब नहीं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब इन सब बातों का जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता देगी, ना मैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना रूलिंग पार्टी। ये जवाब आवाम ने देना है क्योंकि पब्लिक ही हर बात का जो है फैसला लेती है और हर बात को डिसाइड करती है। अब फाइनली आप लोगों ने ही डिसाइड करना है क्या है हकीकत और क्या है झूठ। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आप देखते रहें डेली तस्कीन, आमिर के साथ जम्मू से।